हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी बट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल को मॉडेम की तरह यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या एंड्रॉयड कोई मोबाइल है तो आप उसको जो है मॉडेम की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने पीसी पे या लैपटॉप पे नेट चला सकते हैं, ठीक है, वो भी बड़ी आसानी से। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। इसके पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन जो है आपके सामने आता है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और हमारे हिंदी बट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब आप इस पे माउस ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा हिंदी बट चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSE, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको जल्दी से हमारे हिंदी बट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको जो है अपने मोबाइल को जो है मॉडेम की तरह यूज़ कैसे कराना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल खोलना है, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल ओपन कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल को जो है डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए डाटा केबल आपको दिख रही है, आप इसके थ्रू जो है अपने एंड्रॉइड मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अपने एंड्रॉइड मोबाइल को जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप डाटा केबल से अपने एंड्रॉइड मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से सेटिंग में चलते हैं अपने मोबाइल की। तो आप देख सकते हैं कि हम ये जो अपने एंड्रॉइड मोबाइल की सेटिंग में आ गए हैं, ठीक है। अब आपको जो है इस एंड्रॉइड मोबाइल की सेटिंग में आके आपको इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन आपके मोबाइल पे दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ये देखिए जब आपकी USB आपके मोबाइल से और आपके PC से कनेक्ट होगी तो ये देखिए ये लिखा रहा है USB इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे ये साइन बना होगा, यहाँ पे और चेक मार्क जो है लगा होगा पहले से, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस USB इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है अगले स्टेप में ले जाएगा। तो USB इंटरनेट पे क्लिक करते ही ये हमें इस ऑप्शन में जो है लेके आ गया, ठीक है, इस पेज में। और हमें इसमें करना क्या है कि ये लिखा रहा है यहाँ पे सिलेक्ट योर PC सिस्टम वर्जन, जो बोल रहा है कि आपके जो PC का आप कौन सा PC का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके PC के, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिखाई दे देंगे, ठीक है। चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हमारी PC में भी विंडोज़ यूज़ होती हैं तो उनके सारे जो वर्जन हैं वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्हें, इसमें XP भी है, 7 है, 8 है और विस्टा भी है, ठीक है। जो भी आपका विंडो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से विंडोज़ 8 को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये विंडोज़ 8 जो है सिलेक्ट हो जाएगी। विंडोज़ 8 को सिलेक्ट करने के बाद हमें इस जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमें इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीका का पेज जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है डन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डन लिखा हुआ है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेट कनेक्ट करें, ठीक है, अपने USB के माध्यम से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, मॉडेम की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपको अपने मोबाइल का जो है इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से चालू कर लेना है, इनेबल कर लेना है यहाँ से नेट को, ठीक है। इसके बाद इस डन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है USB इंटरनेट कनेक्टेड, ठीक है, ये दिखा रहा है जो आपका USB आपने इंटरनेट को कनेक्ट किया है तो वो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और कनेक्ट होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे USB इंटरनेट एक्टिव, ठीक है, USB इंटरनेट जो है एक्टिव हो गया है, ठीक है। आपको जो है अपने मोबाइल का डाटा ऑन रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल को मॉडेम की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल से कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो है नेट चला सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी बट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।